नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। सिडनी में बोले पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति प्रेम। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों और कलाकारों से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को बताया करिश्माई शख्सियत। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 26 साल के कैदी ने की आत्महत्या, एक दिन पहले ही कंफर्म हुई थी सजा। दिल्ली के पूठ खुर्द इलाके में प्लास्टिक वेस्टेज गोदाम में लगी आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुजरात के भरूच में केमिकल युक्त पानी पीने से 25 से ज्यादा ऊंटों की हुई मौत। वाराणसी की अदालत का फैसला, ज्ञानवापी विवाद से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। कांग्रेस के आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की। गाजियाबाद में मोबाइल शोरूम के मालिक की दिन दिहाड़े गोली मार कर हत्या। राजस्थान के भरतपुर में भीड़ ने एक चोर को पीट पीट कर मार डाला, 3 लोग हुए फरार। 2000 के नोट को लेकर जारी किए हुए सर्कुलर के बाद पेट्रोल पंप की नकद बिक्री 90% तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में अनजान भक्त ने ज्वाला देवी मंदिर में चढ़ाए 2000 के 400 नोट। मुंबई पुलिस को मिली ट्विटर पर बम धमाके की धमकी, जांच हुई शुरू। आय से अधिक संपत्ति मामले में AIADMK के पूर्व दो मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। पटना में बड़ी तादाद में नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1,77,000 की करेंसी पकड़ी गयी। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ दर्ज 8 मामलों में उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।